देखने के रूप से लोग साथ दिया। तो इस तरह से काफी मेहनत करके इन्होंने इस 1857 को, जिसको हम स्वाधीनता संग्राम आज कहते हैं, और उसका अलग अलग जगहों में जो इसका चिंगारी फूटी, जैसे मेरठ से शुरू हुआ, शिमला का भी काफ़ी हमने पढ़ा, जैसे शिमला आतंक के नाम से उस समय उसको नाम दिया गया था, और बहुत से अंग्रेज़ यहाँ से शिमला से भाग गए, कोई जंगलों में जा चुके, कोई राजाओं के यहाँ चले गए, और कई इंग्लैंड होटल था वहाँ पर इकट्ठा किए गए। तो इस तरह एक जो डर का माहौल उसमें फैला अंग्रेज़ों में, और एक आतंक का माहौल अंग्रेज़ों में फैला, वो याद रखा गया है आज तक भी। और किसी तरह से उसके बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास शक्ति थी, तो उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, और उसके बाद जो एक कंपनी को बदल कर सीधा जो शासन था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर भारत का दे दिया। एक जो कुछ दिन पहले में मैंने पढ़ा था फेसबुक पे, बहादुर शाह जफर का जिक्र किया था एक इतिहास नाम से, आज भी बाई चांस आया उस पर, कि किस तरह बहादुर शाह जफर को यहाँ से रंगून ले जाया गया, और वहाँ का जो भी कमिश्नर था उसने कहा कि इसको कहाँ, ये तो बादशाह था, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। उसके साथ 10-15 आदमी थे, जैसे बादशाहों के साथ राजाओं के साथ लोग जाते थे। तो उसने उनको, बेगम थी, और एक गैराज में, एक अपने गैराज में उनको जगह दी, और वो 1858 से लेके 4 साल तक उस गैराज में ही रहे। और जब उनकी मृत्यु हो गई, बीमार हो गए, तो वहाँ पर भी उनका गया जो उस कमीशन के पास किया, ऐसे बीमार है तो उनको यहाँ से निकालो या कुछ सहायता करो, तो तब वो अपने, वो ऐसा कहते हैं कि अपने कुत्ते को कुछ खिला रहा था या कुछ कर रहा था, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, और वो खुद देखने गया उस बहादुर शाह जफर को, तो उसका जो कंबल था वाला नीचे गिरा हुआ था, उसकी गर्दन जो थी वो बिस्तर से लटक गई थी, यानी उसी गैराज में उन्होंने प्राण छोड़े। और उसके बाद उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं दी गई, और एक पीछे जो उनके कोठी, उनकी कोठी के पीछे कोई गार्डन में उसको थोड़ी सी जगह दी, तभी वो एक मशहूर शेर बोलते हैं कि दो गज भी जगह न मिली। तो वो भी इस तरह का अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों पर हुआ, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भी हिंदुस्तान का राज बादशाह उस समय के क्रांतिकारियों ने माना, और हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हटाकर बहुत से मुस्लिम भी उस क्रांति में शामिल हुए थे। तो इस तरह से हमें बहुत सी चीज़ों का इनकी पुस्तक से पता लगता है, जो अक्सर हमारे जहन में नहीं आती या हमारे ध्यान में नहीं आती, या पहले जो इतिहास लिखे गए हैं अंग्रेज़ों ने जो लिखे हैं खासकर, उसमें इनका जिक्र नहीं, क्योंकि वो उन्होंने उसको एक विद्रोह कहा, तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। जिस तरह कर्णी मैसी थे, उन्होंने 1840 के बाद यहाँ के सब राजाओं का इतिहास लिखा है, तो उन्होंने भी, जैसे राम, हमारे पठानिया थे राम सिंह पठानिया, तो इस तरह के कई राइयों का उन्होंने जिक्र किया है, तो उन्होंने यहाँ के सिपाहियों की बहादुरी का जिक्र भी किया, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो उनका झुकाव था वो अपने सेना और अपने एम्पायर के प्रति था, तो इसलिए उस इतिहास को उन्होंने अपने एंगल से, अपने ढंग से लिखा। लेकिन आज जो इतिहास लिखा जा रहा है, या इससे पहले भी कुछ लिखा गया जैसे इंग्लिश से लिखा है, तो वो हमारे नज़रिए से और एक हिंदुस्तानी के नज़रिए से लिखा गया, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। और ऐसी उम्मीद है कि इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा भी होगी, और जो इतिहास के कार हैं उसको, इसका ध्यान देंगे, और बेशक हम लोग इतिहासकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ इतिहासकार भी मानेंगे। धन्यवाद।